धन्यवाद। मैं सुन रहा था श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्कूली एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कैसे हमको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का प्रसार करना चाहिए इसके बारे में बताया। मेरे साथ अभी डॉक्टर सुनील कुमार जी भी दिख रहे हैं, वाइस चांसलर RGPV के, और तथा डॉक्टर रजनीश अरोरा जी मेरे ख्याल से दूसरे प्रोग्राम में थे, वहां मैं था, वहां से मैं इधर आ गया हूँ, वो वही है शायद, और वो यहाँ जुड़ जाएंगे। श्री अखिलेश अर्गल जी, उमेश अनिल उमेश जी, जाधव, मैं यहीं पर हूँ। नमस्कार। वो वहां वहां नहीं थे क्या नमस्कार अनिल जी, मैं यहीं पर हूँ। आप? तो मुझे लगा कि मेरे बाद नहीं, मैं वहां वहां आकर नहीं यहीं था, मैं यहीं पर था। पे हैं जी आप। तो उमेश जाधव जी, नाजम जमल जी तथा बाकी सभी लोग, राजुल अस्थाना जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चरण जी, और हम सब लोगों को प्रेरणा देने वाले श्री गणेश बागड़िया जी, शायद यहाँ अभी है या नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रेरणा देते हुए इस ISAE को बताया, और AICT और हम दोनों अभी जुड़कर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 20 को आई, तो उसमें काफी जिक्र इसके बारे में किया गया है कि मानवीय मूल्यों को कैसे दिया जाए और समग्र शिक्षा जो विकास होना चाहिए देश का भी, व्यक्ति का भी, लेकिन वो समग्र विकास जब होता है तो वो वैल्यू बेस्ड यानी मूल्य आधारित होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत जोर दिया है, काफी जगह पर इसके बारे में लिखा गया है। और बाद में अरोरा जी इसको विस्तृत पूर्वक शिक्षा नीति में जो जो चीजें कही गई है उसका और हमारा लिंकेज कैसे है इसके बारे में भी विस्तार से तो बताएंगे। तो मेरे ख्याल से 1 साल में कुछ प्रगति इसमें हुई है, हमारी जो शिक्षा नीति है उसका परिणाम हमारे देश में अभी दिखने लगा है, लेकिन अभी काफी काम करना बाकी है। और जब हम ये सब के बारे में सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में एक कहा था कि हमको सारा देश बहुत ही सुव्यवस्थित होना चाहिए, उसके लिए हाँ हमने तो स्वच्छता से शुरुआत की, स्वच्छता बहुत आंतरिक और बाहिर, हम तो सिटी क्लीन सिटीज, मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल ये बहुत गंदे शहर जो थे बहुत ही सुंदर शहर बन गए हैं, तो ये बाहरी जो सुंदरता है वैसे आंतरिक सुंदरता भी होनी चाहिए, तो इसके लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता बाहर भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, टॉयलेट्स साफ होने चाहिए, रास्ते साफ होने चाहिए, क्योंकि जो कूड़ा है उसको ठीक तरह से डिस्पोजल होना चाहिए, लेकिन मन के अंदर का जो कूड़ा है उसको भी निकाल के बाहर निकालना चाहिए, ये तो हमारे शिक्षा नीति के अंतर्गत और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत ही हो सकता है। तो इसलिए हमको छात्रों को शुरुआत से जो नई शिक्षा नीति में 10+2 यानी 12 साल का जो एजुकेशन था उसको बदलते हुए 5-3-3-4 का अलग तरीके से 3 साल से ही छात्रों को स्कूल में लाने की जो प्रस्तावना की गई है उसको अभी लागू इस साल अगले साल में तक हो जाएगा। तो जब छात्र वहां आते हैं तो उनके मन में एक तरफ से खेल खिलौने के साथ खेलते खेलते ही वैल्यूज को भी इम्बाइब करना है और शिक्षा भी लेना शुरू करना है, यानी हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें हमको लिखना पढ़ना गणित है अक्षर का ज्ञान हो ये तो हमको मिलना ही चाहिए, तो उसके साथ साथ जो पंचतंत्र की कथाएं हैं वो कैसे ये। कथाएं अरे वो हम तो अलग मैं अलग मेरी माध्यम और से गई उनको वहां दी जाए, बंद करो उसको और बंद। उसके अलावा जो गेम्स या टॉयज होते हैं उसमें भी एक तरफ विज्ञान तो दूसरी तरफ मौलिक जो साधना होनी चाहिए उसको भी कैसे दिया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदल, हमारी कला संस्कृति हमारी विरासत ये सभी चीजें भी उसमें आनी चाहिए, हमारे नायक यानी हमको जो ब्रिटिश या मुगल या उसके भी पहले आए हुए जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए उनको हमने हिस्ट्री में बहुत बड़ा स्थान दिया था, लेकिन शिवाजी महाराज हो, झांसी की लक्ष्मीबाई हो, या ऐसे जो हमारे पुरुष जो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भी और देश को अच्छा बनाने के लिए कार्य किया उनके बारे में बहुत कम बताया जाता है। तो इसके साथ साथ संस्कृति विरासत खेल नायक स्वतंत्र सेनानी ये सभी चीजें स्कूलों से ही शुरू होती है, तो इनडायरेक्टली वैल्यूज अपने अपने जगह से स्कूलों से ही शुरुआत होती है। AICT ने NCC IP की जो पूरी टीम है जिसमें डॉक्टर अरोरा जी हैं, डॉक्टर चरण जी हैं, जिसमें हमको श्री गणेश पगड़िया जी का काफी सहारा मिला, डॉक्टर राजुल अस्थाना जी है, ये सभी लोग
सातत्य से कार्य कर रहे हैं। करीब करीब 50 वर्कशॉप इस पैंडेमिक में हुए, जिसमें 40-45 हजार के ऊपर शिक्षकों को हमने ट्रेनिंग दी है। जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, उसमें 9 मॉड्यूल है, उसको कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में ट्रेनिंग 5 दिन के इस एक एक सप्ताह में हर सोमवार से शुक्रवार तक होती है। वहां दूसरा भी चल रहा है, जहां दक्षिण क्षेत्र से बहुत सारे जुड़े हुए थे, वहां के अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी जुड़े हुए थे। तो हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक हमारे साथ करीब 1000 शिक्षकों को हम ट्रेनिंग देते हैं। इसमें कई बार शिक्षकों के अलावा वाइस चांसलर्स भी आते। तो ये कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में जो खुशी आने के लिए, खुशी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जब पूछते हैं तो सब लोग पहले तो पैसे के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन पैसा बाहर जो होता है वो बाह्य सुख के लिए है, लेकिन आंतरिक सुख के लिए, जैसे चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, तो ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है आंतरिक सुख पैदा करने के लिए, देह से ऊपर उठकर हमारे मन बुद्धि आत्मन जिसको कहते हैं चेतना, इसको उजागर कैसे कर सकते हैं, इसको एक्साइट कैसे कर सकते हैं। तो कई बार ये सब हमारे अंदर है, भीतर ही है, लेकिन उसको थोड़ा बाहर लाना पड़ता है। उसके लिए ये वर्कशॉप जो है, जिससे हम कोई कंपल्सरी ऐसा ही करो ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि हम एक प्रपोजल के रूप में आपके सामने कुछ विषय को छेड़ते हैं, उसको बताते हैं, तो आप अपने अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन रिफ्लेक्शन से सही चीज क्या है खुद जानकर अपनाओ, इस ढंग से हम ये वर्कशॉप्स को चलाते हैं। तो इसलिए इसका एक अलग ढंग से, मैं फिजिक्स का जो हम सब छात्र है, इंजीनियरिंग के है या साइंस के है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको अलग अलग SP DF इसमें रहते हैं, वो तो घूमते रहते हैं, लेकिन जब तक हम इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा एक्साइटेशन नहीं करेंगे तो ऊपर वाले साइकिल में वो रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक्साइटेशन करना पड़ता है। वैसे ही ये हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के वर्कशॉप जो चल रहे हैं, ये आप सभी के मन को एक तरफ से एक्साइटेशन करने के बाद हम उसको हमारे प्राण के साथ भी जोड़ते हुए, आत्मा के साथ भी जोड़ते हुए, चेतना के साथ जोड़ते हुए, और आगे आध्यात्मिक रूप से कैसे बाहर जा सकते हैं, इसको हम काम करते हैं। और जैसे कि भगवद गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की बात है, तो यहाँ भी कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ जो टेक्निकल एजुकेशन हो, स्कूली एजुकेशन हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एजुकेशन हो, यहाँ बहुत सारी हमारे शिक्षक इंफॉर्मेशन देते, माहिती देते हैं, और ये माहिती आज हमारे माहिती युग में, इंटरनेट के युग में अनेक वेबसाइट्स में उपलब्ध है। तो इसलिए हमारे छात्रों को कॉलेज में जाने में या स्कूलों में जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ वही जो मुझे जानकारी है वही बताया जा रहा है, ये एक जो कल्पना है। तो इससे बाहर आने के लिए सही ज्ञान योग वो है जहाँ इंफॉर्मेशन को नॉलेज के रूप में, नॉलेज को विजडम के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे, तभी छात्रों को वहां बहुत सारी चेतना मिलेगी, आनंद मिलेगा, तब स्कूलों में कॉलेजों में आएंगे। ये ज्ञान योग का एक अध्याय हो गया। तो इसमें छात्रों को डेडिकेशन, कमिटमेंट आना चाहिए। तो इसके लिए भक्ति मार्ग है, ये भक्ति के साथ करना चाहिए कि हम स्कूलों में जाते हैं तो एक हमारी भक्ति है टीचर के प्रति है, स्कूल के प्रति है, कॉलेज के प्रति है, यूनिवर्सिटी के प्रति। ये जब तक नहीं रहेगी, वो कमिटमेंट नहीं रहेगा, वो डेडिकेशन नहीं रहेगा, तो सीखना इतना आसानी से ठीक तरह से नहीं होगा। और आखिरी जो कर्मयोग है, सब लोगों को हम बार बार कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हमने कहा इसलिए उसको मत मानो, जैसे साइंस में कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके हमको देखना चाहिए, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और ये जब करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो अपने आप एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा, और हम दुनिया के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे नॉट ओनली घर में, परिवार के लिए सिर्फ नहीं, तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, और हम हमेशा ही हमारे विरासत में पाया जो है कि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु और वसुधैव कुटुम्बकम् को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारा एप्लीकेशन जो है, हमारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका उपयोग जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे जगत के लिए, प्लैनेट के लिए है। और इसलिए यहाँ हमको आनंद तभी मिलता है जब हम दूसरों को आनंदी देखते हैं, सुखी देखते हैं, खुशी देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे इस वर्कशॉप के माध्यम से और भी प्रखर रूप से आपके मन में आएगी। तो आप सब लोग
ये बाहरी और आंतरिक यानी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों को भी साथ में लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तब शिक्षा नीति का सही उपयोग होगा, देश का भी लाभ होगा, पूरे हमारे प्लैनेट का यानी ये दुनिया का भी लाभ होगा। ऐसे कहते हुए मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार।